हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स पर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बाइसेक्शन मेथड पर डिस्कस कर लिया है और आज हम देखने वाले हैं सेकेंड हमारी इटरेटिव मेथड जो है रेगुलर फालसी मेथड। इसी को हम फाल्स पोजिशन मेथड भी कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यदि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब यदि हमको इनिशियल इंटरवल दिया हुआ है, मान लीजिए हमको इनिशियल यदि इंटरवल दिया हुआ है, तब हम वहां से हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और यदि हमको इनिशियल इंटरवल नहीं दिया है, तो हम इसको डिटरमाइन करते हैं। और इनिशियल इंटरवल यदि नहीं दिया है, किस तरह से इसको निकाला जाता है, इसको हमने बाइसेक्शन मेथड में देखा हुआ है। तो हमारे पास मान लीजिए फंक्शन दिया हुआ है, यदि इनिशियल इंटरवल नहीं दिया है तो हम निकाल सकते हैं। तो ये सेकंड थिंग हो गई। और थर्ड थिंग रहती है कि हमको हमारी मेथड कब स्टॉप करनी है, तो वो भी हमने पिछले दो वीडियो में बाइसेक्शन मेथड में डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए इनिशियल इंटरवल जो है हमारे पास क्या है, एक्स वन और एक्स टू से स्टार्ट होता है। ठीक, अब बात आती है नेक्स्ट रूट निकालने के लिए। नेक्स्ट रूट, तो जैसा कि आपको पता है कि बाइसेक्शन मेथड में यदि हमको एक्स वन और एक्स टू दिया हुआ है, तो इनका प्लस करके हम डिवाइड करते हैं टू, और इसको हम मानते थे कि हमारा एक्स थ्री जो है नेक्स्ट रूट यहाँ पे निकल रहा है। और फिर इसको हम फंक्शन में अप्लाई करते थे और फिर हम कुछ कंडीशन लगाते थे जिसकी बेस पर हम चेक करते थे कि हमारा नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट रूट जो निकालते हैं, तो उसके लिए जो हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे, उसको हम यहाँ पे एक्स जीरो बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम नेक्स्ट रूट को क्या बोल रहे हैं, एक्स थ्री बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एक्स जीरो यहाँ पे बोल देते हैं। और इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो रहेगा हमारे पास एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ एक्स टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वन मल्टीप्लाई विथ फंक्शन ऑफ एक्स वन। इस पूरे फॉर्मूले से हमको क्या निकालना है, एक्स जीरो निकालना है। एक्स जीरो निकालने के बाद इसको हम अप्लाई करेंगे फंक्शन पर, तो हम क्या निकालेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स जीरो निकालेंगे। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यदि इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है, तो जो इटरेशन में हमने एक्स जीरो निकाला है वही हमारा फाइनल रूट हो जाएगा। तो पहला केस तो ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि ये भी एक तरह से x0 हमारे क्या है, बीच में निकलता है। मान लीजिए कि हमारे जो इंटरवल है वो यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, और यहाँ पे बीच में कहीं हमने क्या निकाला है, x0 निकाला है। तो यदि हम फंक्शन ऑफ x1 का मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन ऑफ x0 से, और यदि ये लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव एरिया में आता है, तब हमारा जो नेक्स्ट इंटरवल क्या बनेगा, x1 x0 बनेगा। तो यहाँ पे इंटरवल क्या बन जाएगा, x1 x0। और थर्ड केस क्या होता है कि यदि हम एफ एक्स वन का मल्टीप्लाई करते हैं एफ एक्स जीरो में, और ये पॉजिटिव एरिया में आ जाता है, ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, तब हमारा इंटरवल क्या बनेगा, एक्स जीरो एक्स टू यहाँ पे बन जाएगा। और फिर हम हमारे इटरेशन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन के बेस पर हम पूरा समझ जाएंगे कि किस तरह से फॉल्स पोजिशन मेथड को अप्लाई किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के लिए। ये आपको पता ही है कि हमने अलग अलग प्रकार की इक्वेशंस यहाँ पे देखी थी, जिसमें से एक इक्वेशन थी हमारी पॉलिनोमियल या जो अलजेब्रिक इक्वेशन है, जिसमें हम एक्स के फॉर्म में लेते हैं। लेकिन हमने एक और देखा था कि जिसमें हम साइन एक्स या फिर लॉग एक्स या फिर ई रेस टू एक्स, इस तरह के जो फंक्शन अप्लाई होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहा जाता है। तो आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो इसी के लिए देखने वाले हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दिएगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 3x + sin x - e रेज़ टू x = 0 बाय द मेथड ऑफ फॉल्स पोजिशन करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए, यहाँ पर हमको इनिशियल इंटरवल नहीं दिया है, सबसे पहले हम उसको निकालेंगे, और साथ साथ मेथड हमको कब स्टॉप करनी है, जब दशमलव के बाद चार स्थानों तक ये डिजिट मैच कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टू डिटरमाइन इनिशियल वैल्यू फॉर x1 एंड x2। x1 एंड x2 निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, देखिए यदि ये नॉर्मल हमारे अलजेब्रिक इक्वेशन या जो पॉलीनोमियल इक्वेशन होती है वो अगर हम यहाँ पे लेते हैं,
यहाँ पे सिंपली हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, फिर उसके बाद x इक्वल टू 2 पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ट्रांसजेंडरल जो इक्वेशन है, इसमें हम डायरेक्टली x इक्वल टू 1 से 2 पे नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू पॉइंट्स में रखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 0.0, या इसको हम एक्स इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, 0 का बनेगा। और यहाँ पर अब हम 0 अप्लाई करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो आपका नॉर्मल कैलकुलेटर होता है, वहाँ पे जब आप एक्स की वैल्यू को पुट करोगे, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होती है वो दो फॉर्म में पुट होती है। एक होती है डिग्री के फॉर्म में और एक होती है रेडियंट के फॉर्म में। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हो, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू पुट होगी वो किस फॉर्म में होगी, रेडियंट के फॉर्म में पुट होगी, ठीक है। यदि आप डिग्री के फॉर्म में पुट करते हो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो अब मैं आपको कैलकुलेटर से बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको रेडियंट के फॉर्म में इन वैल्यूज को पुट करना है। यदि साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, ई रेस टू एक्स, या जो ट्रांसजेंडेंटल इक्वेशन आपको दी हुई है, तो वहां पर आपको एक्स की वैल्यू किस फॉर्म में पुट करनी है, रेडियंट के फॉर्म में पुट करनी है। तो अब हम देखते हैं कैलकुलेटर से। यदि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है और नॉर्मल कैलकुलेटर है, जिसमें फॉर्म किसका दिया हुआ है, डिग्री का दिया हुआ है, तो आप डिग्री से रेडियंट में और रेडियंट से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसका फॉर्मूला अभी आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप कर दूंगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं अपना कैलकुलेटर, इसमें देखते हैं। इसमें यदि आप पूरा फोकस करते हो ध्यान से, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये छोटा सा आपको देखिए सेंटर में दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आपको सेंटर में दिख रहा है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, ठीक है। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल सेंटर में जो आपको दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है। डी का मतलब होता है डिग्री। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आप निकालोगे, अभी किस फॉर्म में जाएगी, डिग्री के फॉर्म में जाएगी। लेकिन आपको किसके फॉर्म में निकालना है, रेडियंट के फॉर्म में निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मोड, यहाँ पर आपको एक बटन दिख रही है मोड, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोड चेंज करने के लिए कुछ ऑप्शंस आने लगते हैं। फिर से आपको एक और बार क्लिक करना है और एक और बार आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे 3 बार हमने मोड बटन को प्रेस किया है और 4 टाइम कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है डिग्री का, दूसरा दिख रहा है रेडियंट का, और थर्ड दिख रहा है ग्रेडियंट का। तो हमको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंट में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2। तो यहाँ पे जहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप प्रेस कर दीजिए। तो 2 को हमने प्रेस कर दिया। 2 को जैसे ही प्रेस करिए, तो अब आप देखिए ऊपर जो छोटा सा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आर। पहले यहाँ पे क्या दिख रहा था, डी, डी फॉर डिग्री। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको आर, आर का मतलब है रेडियंट, कि अब आपने इसको रेडियंट में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या रखना है, 0 रखना है। फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, 3x। तो यहाँ पे हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई एक्स मतलब 0, फिर लिखा है प्लस साइन। तो यहाँ पे सिंपली साइन की बटन दी हुई है, तो यहाँ पे हमने साइन पे प्रेस किया और एक्स की वैल्यू क्या है, 0। फिर क्या है, माइनस ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पे जो एल एन लिखा हुआ है, एल एन के ऊपर लिखा हुआ ई है ना, तो एल एन के ऊपर ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले शिफ्ट को प्रेस करना है, उसके बाद एल एन को प्रेस करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया, और ई के ऊपर किसकी पावर है, 0 की। तो डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया, 0। इक्वल किया तो वैल्यू क्या निकल कर आई, -1। इसका मतलब यदि हम इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं रेडियंट के फॉर्म में, तो फंक्शन की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, -1 यहाँ पे निकल कर आ रही है, ठीक है। अब पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि फंक्शन की वैल्यू हमको एक नेगेटिव चाहिए और एक हमको पॉजिटिव चाहिए। तो जब तक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिल जाती, हम इन वैल्यूज को बढ़ाते हुए चलेंगे। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 0.1, दैट मीन्स हम निकालेंगे यहाँ पे फंक्शन 0.1 की वैल्यू। फिर से करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस साइन 0.1 माइनस E 0.1, इक्वल किया तो वैल्यू आ रही है -0.705, -0.705 अभी भी नेगेटिव है। तो x इक्वल टू 0.2 रख के देख लेते हैं, इस बार देखते हैं क्या आता है। 3 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस साइन 0.2 माइनस E 0.2,
इस बार वैल्यू आ रही है -0.422, -0.422 इस बार फिर से नेगेटिव आया है। x इक्वल टू 0.3 रख के देखते हैं, 3 × 0.3 प्लस साइन 0.3 माइनस 0.3, फिर से नेगेटिव आया है, -0.154। x इक्वल टू 0.4 रख के देखते हैं, 3 × 0.4 प्लस साइन 0.4 माइनस ई 0.4, वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में 0.0975। ठीक है, तो अब देखिए इतनी वैल्यू हमको यहाँ पे नेगेटिव मिली है और एक वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल गई। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक वैल्यू नेगेटिव के लिए चाहिए और एक पॉजिटिव के लिए चाहिए। पॉजिटिव के लिए तो हमको क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 0.4 मिल रहा है, नेगेटिव के लिए इतनी सारी वैल्यूज मिल रही है, लेकिन इसके जो क्लोजेस्ट रहेगा वही हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे यदि हम क्लोजेस्ट इंटरवल लेते हैं तो हमारा जो आंसर है वो जल्दी आता है। ठीक है, तो यदि हम इनिशियल वैल्यू माने और इटरेशन फर्स्ट यदि हम स्टार्ट करें, अब इटरेशन फर्स्ट यहाँ पर जो एक्स वन की वैल्यू है वो कौन सी हो जाएगी, 0.3 हो जाएगी, और एक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.4 यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल इंटरवल शुरू हो गया है। फंक्शन ऑफ एक्स वन की वैल्यू 0.3 पे क्या आया है, -0.154, और फंक्शन ऑफ एक्स टू इस पर वैल्यू आई है 0.0975। अब हमको क्या निकालना है, एक्स जीरो निकालना है। एक्स जीरो के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन मल्टीप्लाई एफ एक्स वन। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स वन की वैल्यू कितनी है, 0.3 माइनस एक्स टू की वैल्यू है 0.4 माइनस 0.3, फंक्शन ऑफ एक्स टू की वैल्यू है 0.0975 माइनस एफ एक्स वन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में -0.154, और मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वन से 0.154। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से, देखिए सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के लिए पहले अंदर का जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे 0.4 माइनस करते हैं 0.3, तो ये आ गया। इसको डिवाइड कर देते हैं नीचे वाली संख्या से, तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब यहाँ पे है 0.0975 और यहाँ पे माइनस माइनस हो गया, प्लस 0.154, ब्रैकेट क्लोज इक्वल, यहाँ पे आंसर आया है समथिंग। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं पॉजिटिव वैल्यू से 0.154। ओके, तो ये वैल्यू आई है और इसमें प्लस कर देते हैं 0.3 का, तो प्लस किया 0.3, वैल्यू आई है 0.3612, 0.3612। तो ये है हमारा एक्स जीरो, इस पे निकाल लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स जीरो। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स जीरो निकालने के लिए क्या करना है, 3 × 0.3612 प्लस साइन 0.3612 माइनस ई 0.3612, फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, इक्वल कितनी वैल्यू आ रही है, देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ध्यान से अगर आप देखें तो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर में आ रही है 1.9466 समथिंग, और मल्टीप्लाई के बाद लिखा हुआ है 10 की पावर -0.3, या इसको 3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान होगा हमने जब ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देखा था। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये था कि जब हम यदि एक्सपोनेंट को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे डिजिट जो रहता है, जो डॉट रहता है, जो डेसिमल स्थान रहता है, उनको हम शिफ्ट करते हैं,
यहाँ पे यदि नेगेटिव को हम हटाना चाहते हैं तो इसको हम कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट में मूव करेंगे। कितनी डिजिट है यहाँ पे, 3। तो यहाँ पे यदि हम लिखना चाहें तो दशमलव को 3 स्थानों पे इधर लाना है, तो यहाँ पे 1, 2 और इसके बाद क्या आएगा, 1। देखिए यहाँ पे अभी 1 से पहले था, अब हम 3 स्थानों पे इधर ला रहे हैं, तो 0, 0 और यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो ये उठ के यहाँ पे आया है 3 पोजीशन पे, यहाँ पे 0, 0, 1 हो गया है। इसके बाद 9 लिख लीजिए, आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी ये वैल्यू आ गई है यदि हम 10^-3 को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू क्या आई है, ये आई है। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूँ और आई बटन में भी दे देता हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आई है ये, ठीक है, और ये पॉजिटिव में निकल कर आई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। सिंस फंक्शन ऑफ x1 मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x0, देखिए फंक्शन ऑफ x1 क्या है, नेगेटिव, फंक्शन ऑफ x0 क्या है, पॉजिटिव, दोनों मिलके क्या हुए, नेगेटिव, दैट मीन्स लेस देन 0। इसलिए नेक्स्ट जो इंटरवल है वो क्या बनेगा हमारा, x1 x0 बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इटरेशन सेकंड। इटरेशन सेकंड पे चलते हैं, तो यहाँ पे इंटरवल क्या बना है, x1 x0, मीन्स यहाँ पे x1 की वैल्यू आएगी और यहाँ पे x2 की वैल्यू आएगी। x1 की वैल्यू कहाँ से उठेगी, x1 से ही, ठीक है, और x1 की वैल्यू क्या है, 0.3, और x2 की वैल्यू कहाँ से उठेगी, x0 से, x0 की वैल्यू क्या है, 0.3612। ठीक है, अब इन पर फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो फंक्शन ऑफ x1 0.3 पर वैल्यू क्या आ रही थी, नेगेटिव 0.154, पिछले इटरेशन से ही आप देख के लिख सकते हैं। और फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पर अभी हमने लिखा है 0.0019। ठीक, अब यहाँ पे निकालते हैं x0, x0 का फॉर्मूला वही रहेगा, x1 - x2 - x1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 - फंक्शन ऑफ x1 मल्टीप्लाई विथ फंक्शन ऑफ x1। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 की वैल्यू है 0.3 - x2 की वैल्यू है 0.3612 - 0.3, फंक्शन की वैल्यू है 0.019 - 0.154 * 0.154। इसको पूरे को आप सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे शुरू करते हैं ब्रैकेट के अंदर 0.3612 - 0.3, डिवाइड करते हैं 0.0019 - हो जाएगा प्लस 0.154 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.154 और प्लस कर देते हैं 0.3 को, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.3604। ओके, इस पर अप्लाई करते हैं फंक्शन को, तो यहाँ पे आ गया फंक्शन ऑफ x0। फंक्शन क्या है हमारे पास, 3 × x मीन्स 0.3604 प्लस साइन एक्स, तो साइन 0.3604 और माइनस में है e की पावर x, तो यहाँ पे e 0.3604 वैल्यू आ रही है। देखिए इस बार फिर से वैल्यू क्या आ रही है, -5.42। ठीक है, अब यहाँ पे 10 के ऊपर आपको पावर दिख रही है, देखिए ध्यान से देखिए, 10 के ऊपर पावर आपको दिख रही है -5 की, है ना, तो यहाँ पे यदि 10 के ऊपर -5 है और यहाँ पे लिखा हुआ है -5.4 और कुछ डिजिट्स हैं, अब इस पॉइंट को हमको कहाँ ले जाना है, 5 पोजीशन आगे ले जाना है, क्योंकि यहाँ से इस -5 को हटाना है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 के आगे 4 जीरो और लग जाएगी, तो ये नेगेटिव में तो चल ही रहा है, यहाँ पे 0.5 के आगे कितनी जीरो लगेगी, 4, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर आ गया 5, तो पॉइंट यहाँ से खसक के हमने कहाँ पहुँचा दिया है, 5 पोजिशन आगे पहुँचा दिया है। आप चाहें तो आगे के डिजिट लिखें, ना चाहें तो ना लिखें, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट वाला फॉर्म है उसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया है। ओके, तो ये निकला है fx0।
सिंस एफ एक्स वन मल्टीप्लाई एफ एक्स जीरो। अब देखिए एफ एक्स वन क्या है, नेगेटिव, और एफ एक्स जीरो भी क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। इसलिए नेक्स्ट इंटरवल क्या बनेगा हमारा, एक्स जीरो एक्स टू बनेगा, है ना। पॉजिटिव एरिया हम चले गए हैं, इटरेशन थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पर एक्स वन की वैल्यू एक्स जीरो से उठेगी, एक्स जीरो की वैल्यू क्या है, 0.3604, और एक्स टू की वैल्यू कहाँ से उठेगी, एक्स टू से, एक्स टू की वैल्यू क्या है, 0.3612। ओके, फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वन, इस पर वैल्यू क्या आई है, -0.000054, और फंक्शन ऑफ एक्स टू, इस पर वैल्यू क्या आई थी, 0.0019। ओके, तो ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन, फंक्शन ऑफ एक्स टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वन मल्टीप्लाई विथ फंक्शन ऑफ एक्स वन। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स वन की वैल्यू है 0.3604 माइनस 0.3612 माइनस 0.3604, फंक्शन ऑफ एक्स टू की वैल्यू है 0.0019, और माइनस माइनस 0.000054, और मल्टीप्लाई विथ फंक्शन ऑफ एक्स वन की वैल्यू है माइनस में 0.00054। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0054। ओके, फंक्शन ऑफ एक्स वन की वैल्यू है, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 0.3612 माइनस 0.3604 इक्वल, इसमें डिवाइड करते हैं ब्रैकेट के अंदर, 0.019 0.0019, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 0.000054, इसको 5 तक रहने देते हैं। इसको सॉल्व किया, इतना आया, मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.00005, और प्लस कर देते हैं 0.3604। तो यहाँ पर वैल्यू आई है, देखिए 0.3604 ही आ गई है। यदि आप ध्यान से देखें तो इटरेशन सेकंड में भी यही वैल्यू है, और इटरेशन थर्ड में भी हमको यही वैल्यू मिल गई है। और हमने जब मेथड स्टार्ट की थी, वहां पे हमने देखा था कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक हमको मैच करना है, तो ये मैच यहाँ पर हो गया है। इसका मतलब अब हम यहाँ पे मेथड स्टॉप कर सकते हैं, और यही हमारा फाइनल रूट है। तब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस एक्स जीरो इज एप्रोक्सीमेटली द सेम इन लास्ट इटरेशन, हैंस द रिक्वायर्ड रियल रूट इज क्या आ गया, 0.364 हमारा आ गया। करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, और ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।